हिमाचल प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन स्टेडियम धर्मशाला। आईडीएफसी फर्स्ट बैंक रणजी ट्रॉफी 23-24, तीसरा दिन हिमाचल प्रदेश और दिल्ली की टीमें आमने सामने। ऋषि धवन स्ट्राइक पर हैं, 95 रन बनाकर के नाबाद हैं। वैभव अरोड़ा आए हैं गेंदबाजी के लिए, हिमांशु चौहान। और देखना है कि अब ऋषि धवन की क्या स्ट्रेटेजी रहेगी। 5 रन दूर है अपने शतक से, पिच बहुत अच्छी है बल्लेबाजी के लिए। ये बढ़िया स्ट्रोक खेल दिया उन्होंने और हवा में देखना है कि बल्लेबाज उसके नीचे आ रहे हैं और ये पहला झटका लगता हुआ हिमाचल को, और दिल्ली ने जो चाहा था वैसे करके दिखाया। बढ़िया कैच पकड़ा है वहाँ पर और अभी भी अंपायर्स देख रहे हैं। और पहली के ओवर में पहली सफलता वहाँ पर हिमांशु ने दिलवाई, तीसरा विकेट उनका। बढ़िया कैच पकड़ा वहाँ पर अखिल चौधरी ने और आज अपने रन्स में कुछ खास नहीं कर पाए। ऋषि धवन आउट हुए 95 रन बना करके, हिमाचल प्रदेश 311/9। विपिन आए हैं बल्लेबाजी करने के लिए, अंतिम विकेट। मौका बना था लेकिन स्लिप में मौजूद फील्डर चुस्त मुस्तैद नहीं थे। 4 रन मिलेंगे। फिर स्लिप में डाला कैच और फिर उसके हाथ से, देखना है कि कैच पकड़ा गया है, क्लीन कैच है कि नहीं। और फील्डर वहां पर थे वैभव खंडपाल, जिन्होंने कैच पकड़ा और अंपायर आपस में बात करते हुए, और अंपायर ने आउट करार दिया। और इसके साथ ही हिमाचल प्रदेश की पूरी टीम 319 रन बनाकर आउट हुई। 5वीं सफलता वहां पर सिद्धांत शर्मा को मिलती हुई, लाजवाब गेंदबाजी। और ये मैच की समरी, 264 रन बनाए थे पहली इनिंग में दिल्ली ने और हिमाचल प्रदेश ने बनाए 319 रन, बढ़त है 55 रन की। और दोनों ओपनिंग बल्लेबाज यश ढुल और अनुज रावत मैदान पर पहुंच चुके हैं। ये विनिंग गिलिटियां हैं, 6 मैच खेले हैं, 17 विकेट हैं, अच्छा औसत है। और इस बार एंड चेंज किया गया, लक्समबर्ग गेंद थी प्लेस किया उसे ऑन साइड पर सीधा फील्डर के हाथ में और आगे आके गेंद को उठा दिया वहां पर लॉन्ग ऑफ बाउंड्री के बाद 6 रन के लिए। आगे आके फिर खेला उसको और स्लिप के ऊपर से गेंद चली गई है और देखना होगा कि एक बाउंस पहले गिर गई और 4 रन वहां पर मिलते हुए। और टेकन ऑन हाफ वॉली, दैट विल गो ऑल द वे, लेट्स लुक एट इट, वेयर इज इट लैंडिंग, यस दैट्स 6 रन्स। फिर उसे उठा के खेल दिया है मिड विकेट बाउंड्री की तरफ, देखना है कि गेंद एक बाउंस पे पहले ही गिर गई, 4 रन का इशारा तो अंपायर का। हैमर्स द बॉल अक्रॉस द लाइन, विप्स हिम ऑन टू द ऑन साइड एंड दैट विल हेड टू द फेंस फॉर 4 रन्स। देखिए ये भी एक स्ट्रोक जो खेला उन्होंने कवर बाउंड्री के बाहर 4 रन के लिए, बढ़िया स्ट्रोक था ये, उसको ड्राइव किया इस बार यश ढुल थे और गेंद चली गई मिड ऑन और मिड विकेट के बीच में से 4 रन के लिए। On the pad lines, you can't do this to Anuj Rawat and he dispatches this one into the square leg region and another boundary. और उसको उठा के खेल दिया है बॉलर के सिर के ऊपर से, 6 रन का इशारा आता हुआ अंपायर का। Oh, steps out audaciously and this time he's getting his 15 style, a 6, fourth 50 correction in his 30th first class match. Great footwork, great confidence, very combative cricketer. बैकफुट पर गए, स्ट्रोक के लिए जगह बनाई लेकिन सीधा थ्रो विकेटकीपर के हाथों में था, विकेट पुट डाउन हुई लेकिन बॉल हाथ में नहीं थी। देयर इज ए ट्राइंग टू प्ले इन फ्रंट बट इज सो टेकन एंड दैट मस्ट बी ग्रेट रिलीफ। अनुज रावत कॉट एकांत, बोल्ड ऋषि धवन 54, दिल्ली 66/1। खंडपाल वाज आउट फॉर अ नॉट इन द फर्स्ट इनिंग्स एंड दैट्स हिज ओवरऑल रिकॉर्ड, हिज 7th इनिंग्स 81 रन्स। ड्राइव किया उसे हवा में, जरूर खेला गेंद मगर मिड और मिड के बीच में से गेंद चली गई बाउंड्री के बाहर 4 रन के लिए, बढ़िया स्ट्रोक वहां पर। और ये बाहरी किनारा लग गया था, बहुत दूर नहीं थे और खराब स्ट्रोक मगर विकेट गिरता हुआ वहां पर। वैभव खंडपाल कॉट बिहाइंड हुए और प्रवीण ठाकुर ने अच्छा कैच पकड़ा और 2 रन बनाकर निराश किया वैभव खंडपाल ने इस मैच में, 2 रन बनाकर आउट हुए वहां पर और 19 गेंदों का सामना किया दिल्ली 82 विकेट के नुकसान पर। आयुष बडोनी 24 वर्षीय, 12 इनिंग्स 391 रन। ड्राइव किया, बढ़िया स्ट्रोक वहां पर, एक्स्ट्रा कवर ड्राइव जिसे कहते हैं ना कि कॉपी बुक स्टाइल में खेल दिया। एक बार फिर ड्राइव किया वहां पर, कोई मौका नहीं कवर बाउंड्री के बाहर 4 रन के लिए। इस बार ऑन साइड में खेला सीधे बैट से 4 रन।
हवा में खेला था स्ट्रोक और फील्डर के लिए कोई मौका नहीं, शुरुआत की है बाउंड्री से। गेट लेग स्टंप पर गेंद उछाल के खेल दिया, कोई मौका नहीं छोड़ते हैं ये, आयुष दुल की एक खासियत है। शॉर्ट ऑफ लेंथ गेंद को कट किया वहां पर कवर पॉइंट बाउंड्री के बाहर, चार रन के लिए बढ़िया स्ट्रोक, दूसरा चौका इस ओवर का। ड्राइव किया, क्या खूबसूरत ड्राइव किया है, स्ट्रेट ड्राइव बैक टू द बॉलर और लॉग ऑफ बाउंड्री के बाद चार रन के लिए, और इसके साथ ही यश दुल के 50 रन पूरे हुए, बढ़िया बल्लेबाजी। Oh, what a use of the wrist there. The ball goes to the square leg region. Four runs without any interruption. और कट किया वहां पर, सुंदर स्ट्रोक वहां पर आयुष बदोनी के बल्ले से निकलता हुआ। फिर ये देखिए बढ़िया स्ट्रोक वहां पर, कोई मौका नहीं, स्टैंड एंड डिलीवर। बैकफुट पाके पंच किया, बहुत ही बढ़िया स्ट्रोक, अगर फील्डर उसे नहीं रोक पाएंगे तो गेंद बाउंड्री के बाहर चली जाएगी। कोशिश जरूर की थी, हाथ भी लगा था, गेंद थोड़ा स्लो भी हुआ था, मगर बहुत ही बढ़िया स्ट्रोक वहां पर यश दुल के बल्ले से निकलता हुआ। द लास्ट डिलीवरी डिफेंडेड, नो रन्स टेकन, 5 रन्स ऑफ दैट ओवर, 23rd ओवर गॉन, 147 फॉर 2। और इसके साथ ही लंच का समय घोषित कर दिया अंपायर्स ने, 147 दो विकेट नुकसान पर। बदोनी खेल रहे हैं 24 रन बनाकर और यश दुल खेल रहे हैं 65 रन बनाकर, और जो लीड है अब 92 रन की हो चुकी है दिल्ली की सेकेंड इनिंग में। 147 for 2, Delhi effectively leading by 92 run. The Yash Dul ने 62 गेंदों के ऊपर 65 रन बनाए हैं, आयुष बडोनी ने 24 रन बनाए हैं 25 गेंदों के ऊपर। वैभव अरोड़ा हैं, लंच के बाद आते ही एक बेहतरीन ऑफ ड्राइव, बैकफुट पर गए, शॉट के लिए जगह बनाई, बढ़िया टाइमिंग प्लेसमेंट, चार रन, बेहतरीन तरीके से गेंद और बल्ले के बीच में संपर्क स्थापित करते हुए चार रन जुटाए, बेहतरीन शॉट, और पिच बॉल थी, पूरी ताकत के साथ खेल दिया, अंपायर के दोनों हाथ आसमान की तरफ, यानी कि स्कोर बुक में 6 रन दर्ज किए जाएंगे। फिलहाल यहां पर आउट हुए, इनसाइड एज लगा, यश दुल के रूप में महत्वपूर्ण विकेट गवा दिया दिल्ली ने, ड्राइव करने की कोशिश की थी, बॉल की पिच तक नहीं पहुंच पाए और तीसरा विकेट गिर गया। इसी के साथ यश दुल, कॉट ठाकुर बोल्ड विनय, 82 दिल्ली 176 पर 3। हिम्मत सिंह 27 वर्षीय, 39 इनिंग्स, 1473 रन्स, 11 अर्धशतक, 2 शतक। Oh, this one very, very dangerously played, squeezed through the slips. Pad line पर बॉल पिच हुई, कलाइयों का अच्छा इस्तेमाल किया, बहुत बड़ा गैप मौजूद है ऑन साइड में, चार रन। हवा में खेला गया स्ट्रोक है, बैकवर्ड पॉइंट की तरफ गेंद जा रही है, क्या एक बाउंस के साथ गेंद बाउंड्री के बाहर, चार रन के लिए। कट किया बैकफुट पर जाकर के, फील्डर मौजूद थे लेकिन उनकी पहुंच से दूर, कट किया बैकफुट पर जाकर के, कोई भी खिलाड़ी मौजूद नहीं है। फिर आगे बैकफुट पर पंच किया, इसे कोई मौका नहीं किसी खिलाड़ी के लिए, कवर पॉइंट बाउंड्री के बाहर चार रन के लिए, बढ़िया स्ट्रोक, और इसके साथ ही बदोनी के 50 रन पूरे हुए, शानदार 51 रन 51 गेंदों पर। रिवर्स स्लीप खेलना चाहते थे मगर गेंद की लाइन थोड़ी सी ऑफ स्टंप के बाहर थी, मगर अपने स्ट्रोक के साथ ही खेल गए वो, और चार रन अर्जित करते हुए वहां पर आयुष बदोनी। क्या ये बढ़िया स्ट्रोक वहां पर, देखना है हवा में जरूर है गेंद, मगर दो बाउंस के बाद गेंद बाउंड्री के बाहर चली गई। कट किया थर्ड मैन क्षेत्र में, चार रनों के लिए। ड्राइव किया उसे, बढ़िया ड्राइव वहां पर, हवा में खेला गया स्ट्रोक है मगर एक्स्ट्रा कवर बाउंड्री के बाहर चली जाएगी गेंद को, कोई नहीं रोक पाएगा फील्डर वहां पर। In the air and safe, that was through the slip region. Goodness me. फिर एक बार कहते ना वो 360 डिग्री वाला क्रिकेट शॉट खेल दिया है, और ये बढ़िया स्ट्रोक है, इसमें कोई मौका नहीं किसी फील्डर के लिए, कवर पॉइंट बाउंड्री के बाहर, फील्डर ने कोशिश जरूर की डाइव लगाकर। ओवर पिच बॉल थी, जोरदार शॉट बाउंड्री लाइन के बाहर, 6 रनों के लिए। बैकफुट पर गए, गैप ढूंढने में सफल रहे थे, चार रन। पुल किया बॉल फाइनल क्षेत्र में, चार रनों के लिए पहुंच गई, और इसी के साथ
आयुष बडोनी ने एक शानदार शतक पूरा किया, दूसरा शतक प्रथम श्रेणी क्रिकेट में और इस सत्र का पहला। इसी के साथ आउट हो गए। हम तो उम्मीद कर रहे थे कि शायद अर्धशतक पूरा करेंगे, लेकिन इस बीच में बॉल पड़ने के बाद बार की तरफ निकली, विकेटकीपर ने कोई गलती नहीं की। हिम्मत सिंह के रूप में दिल्ली ने चौथा विकेट गवा दिया। दिल्ली 297 पर चार। द टॉल जॉन्टी सिद्धू ऑफ साइड में ड्राइव किया, करारा शॉट and he goes for a wild shot. Where has the ball gone? Even he doesn't know, but then the ball eventually crosses the fence for 4 runs. T se pehle ka ye aakhri over hai. Over ki samapti hui. Delhi ki pari ke 49 overs hue hain, 308 run 4 wicket ke nuksan par. Umpires ne tea time call kiya hai. Isi ke sath 253 ranon ki mahatvapurn badhat T ke samay दिल्ली के पास। मैच समरी के ऊपर निगाहें डालें, दिल्ली 264 रन, हिमाचल प्रदेश 319। दूसरी पारी में दिल्ली 308 पर 4, कुल बढ़त 253 रनों की। आयुष बडोनी ने 107 रन बनाए हैं, नॉट आउट जिम्मेदारी का प्रदर्शन किया, अथॉरिटी के साथ बल्लेबाजी की है, में शामिल है। फॉरेन से गेंदबाजी क्रम जारी रखेंगे। विनय कट किया उसको पहली गेंद पर, बढ़िया स्ट्रोक वहां पर, फील्डर मौजूद है, एक रन जरूर मिलेगा बल्लेबाजों को। सीधा विकेट के सामने पाया अंपायर ने। इसी के साथ आयुष बडोनी के रूप में पांचवा विकेट गंवा दिया दिल्ली ने। आयुष बडोनी LBW, वैभव अरोड़ा 111 रन, दिल्ली 318 पर 5। क्षितिज शर्मा 23 इनिंग 705 रन, 30.65 का औसत है, 350 बनाए हैं, 2 शतक भी लगाए हैं। आगे आगे गेंद को उठा दिया, बढ़िया स्ट्रोक यहां पर, हमारे नीचे से ऊपर चला गया गेंद और आगे आके ड्राइव किया उसे ऑन साइड। अच्छा बढ़िया स्ट्रोक है वहां पर, मिड बाउंड्री के बाहर, मौका नहीं बनेगा वहां पर किसी भी खिलाड़ी के लिए, प्रयास जरूर किया था, बढ़िया स्ट्रोक। वेरी हार्ड शॉट एंड दैट माइट जस्ट अबाउट गेट हिम द डिजायर्ड रिजल्ट, 6 रन्स, फ्लैट 6 फॉर अ 6 इनटू द वाइडिश लॉन्ग ऑन रीजन, स्ट्रक द बॉल वेल, जोरदार शॉट, हवाई हमला, बॉल पहुंची स्टैंड्स में। And this one goes for a big one and nobody to collect that. Zordar shot, Jonty Sidhu ke bat se, ball hawa mein hai, fielder maujood, koi galti nahi ki. Isi ke saath Jonty Sidhu ke roop mein Delhi ne chhata wicket gawa diya. Achcha khel rahe the Jonty Sidhu, filhal out hokar ke pavilion laut rahe hain aur Delhi के कप्तान ने पारी घोषित कर दी है। 264 हिमाचल्स रिस्पांस वाज 319 एंड दिल्ली स्कोरिंग 381 फॉर द लॉस ऑफ 6 विकेट्स डिक्लेयर्ड। शुभम अरोड़ा 26 वर्षीय, प्रशांत चोपड़ा 117 इनिंग्स 4641 रन, सिद्धांत शर्मा जिन्होंने बेहतरीन गेंदबाजी की थी पहली पारी में, अच्छी शुरुआत, पहली बॉल बिल्कुल निशाने पर, बढ़िया बॉल खेलने की कोशिश की थी लेकिन थर्ड मैन क्षेत्र में बॉल निकल गई 4 रनों के लिए। गुड यूज ऑफ द रेस, लंजेस फॉरवर्ड, प्लेस इट डाउन इनटू स्क्वायर लेग, द बॉल विल फाइंड इट्स वे टू द फेंस, 4 रन्स अगेन, बोल्ड कर दिया। इसी के साथ पहला झटका लगा हिमाचल प्रदेश को, प्रशांत चोपड़ा बोल्ड, हिमांशु 5 रन, हिमाचल 10 पर 1। अंकित कलसी 77 इनिंग्स इन एक्सेस ऑफ 3000 रन्स, कलाइयों का अच्छा इस्तेमाल किया, गैप ढूंढने में सफल रहे, ऑन साइड में बॉल 4 रन, अच्छी गेंद थी, पूरा सम्मान देते हुए खेल दिया वहां पर कवर्स की तरफ और इसके साथ ही अंपायर्स ने क्लोज ऑफ प्ले को डिक्लेयर कर दिया है। आज का दिन यहीं समाप्त होता है और 8 ओवर की समाप्ति के बाद कुल योग 31 रन, 1 विकेट नुकसान पर, 3.88 की औसत से रन बने हैं आज, अच्छे रन बनाए हैं मगर एक विकेट जो उन्होंने इंपॉर्टेंट विकेट खोया प्रशांत चोपड़ा का, वो बहुमूल्य विकेट है।
मैच समरी के ऊपर अगर नजर डालें, तीसरे दिन दिल्ली की टीम ने पलटवार किया, बेहतरीन प्रदर्शन रहा, वेल डन दिल्ली। हिमाचल प्रदेश की टीम को अभी भी